हमीरपुर शहर में अतिक्रमण हटाने का काम प्रशासन की ओर से जारी है, लेकिन इस सम के बीच प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल नादौन चौक से सुजानपुर मार्ग पर दोनों तरफ से सड़क किनारे फुटपाथ बनाने के लिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, तो वहीं स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि फुटपाथ बनाने के लिए कई जगहों पर ज्यादा खुदाई की गई है, तो कई जगहों पर रसूखदारों को बचाने के लिए कम जगह पर फुटपाथ बना दिया गया है। पता नहीं क्या हो गया प्रशासन को कि पीछे चलो यहाँ दुकानें गिरा देंगे, हर वक्त तलवार लटका दी हमारे ऊपर, 15 दिन का खाली करने का नोटिस दे दिया। ये नहीं लिखा भी कहाँ बसाएंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं, बिना सोचे समझे अचानक जैसे कोई एटम बम भी फेंक दिया, वो सारे लोग परेशान हो गए, सारे दुकानदार उनके परिवार परेशान हो गए। सारे को जल्दी किया जाए और सबको बराबर न्याय मिले इसमें। कईयों की आप देखोगे, यहाँ ध्यान से देखोगे आप, तो कईयों की ज़्यादा ले खुदाई कर दी, कईयों की कम कर दी। लोग डेली कोई ना कोई हंगामा होता रहता है कि वो बंदा उससे मिला हुआ है, वो उससे मिला हुआ है। आप देखोगे एक तरफ एक दुकानदार है, यहाँ उसकी खुदाई ज़्यादा अंदर कर दी, यानी कि जो बराबर किया जाए और कुछ नहीं, और जल्दी कार्य किया जाए। हम अपनी प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब क्योंकि लीगल प्रोसेस होता है, नोटिस का टाइम होता है किसी चीज़ को, और कार्रवाई क्या, मतलब ये दिस इज़ दी सेटलमेंट, तो उसमें चला हुआ है सभी के लिए जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा, दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू।